संभल के नखासा थाने के दारोगा चरण सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। दारोगा दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपियों के नाम मुकदमे से निकालने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। बहराइच के बांसगढ़ी गांव में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। भरे बाजार में दो चचेरे भाइयों को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार बदमाश हजारों लोगों के बीच हत्या कर फरार हो गए। हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। एसपी ने कहा कि घटना की बारीकी से जांच की जा रही है, जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर घर जा रही टीचर से शोधों ने छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, विरोध करने पर टीचर के साथ मारपीट भी की। छेड़छाड़ और पिटाई से घबराई छात्रा जान बचाकर सदर कोतवाली पहुंची और कार्रवाई की मांग की। पुलिस जल्द ही दबंग शोधों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बस्ती के हरैया में पुलिस की चार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में चली कई राउंड गोलियों के बाद चार बदमाश जख्मी हो गए। दो पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले युवक का बदमाशों ने अपहरण किया था और परिजनों से 12 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। अपहृत युवक शिवम को बदमाशों के चंगुल से पुलिस ने छुड़ा लिया। मुठभेड़ के दौरान एसपी एएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। सभी बदमाशों पर पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भाजपा विधायक अनीता लोधी और उसके गुर्गों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में विधायकों के गुर्गों की गुंडई साफ देखी जा सकती है। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने फास्ट ट्रैक लाइन में विधायक की फॉर्च्यूनर गाड़ी को लगाने के लिए कहा तो अनीता लोधी और उनके ड्राइवर ने टोल कर्मचारी को बेरहमी से पीट डाला। उन्होंने कर्मचारी को जबरन फॉर्च्यूनर के अंदर खींच लिया। सुल्तानपुर में पुराने मामूली पानी गिराने के विवाद में बवाल हो गया। यहां नगर कोतवाली के रामनगर मोड़ गोड़वा चौकी के पास सुबह हवाई फायरिंग और मारपीट की गई। गुस्साए लोगों ने बाइक जेसीबी और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल बवाल के बाद से इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बलिया के त्रिकालपुर गांव में दो भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर मारपीट हो गई। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तरफ से चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों की शरारत सीसीटीवी में कैद हो गई। देर रात बाइक से आए शरारती तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी कार के शीशे तोड़ डाले। पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। सहारनपुर के जिला अस्पताल में मरीजों से रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में इमरजेंसी वार्ड में एक स्टाफ नर्स तीमारदार से अच्छे इलाज के नाम पर 200 रुपए की रिश्वत लेते साफ दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही सीएमएस ने बताया कि स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। वीडियो की सत्यता की जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू में मास्क पहनकर छात्रों पर हमला करने वाली भीड़ की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने ली है। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जेएनयू में हुई हिंसा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वायरल वीडियो में पिंकी चौधरी ने जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों का हवाला दिया और चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इतना ही नहीं, चौधरी ने धमकी भी दी कि वो आगे भी ऐसा करेगा। जेएनयू में छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर श्रीनगर में एबीपी के छात्रों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार और हाथापाई करने का आरोप लगाया। पीलीभीत में प्रेमी जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों प्रेमी प्रेमिका अपनी जान का खतरा बताते हुए खुद की मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित युवती अपने परिजनों और पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही। युवक ने कुछ दिनों पहले युवती से कोर्ट में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही परिजनों की ओर से जान से मारने की धमकी दी जाने लगी जिसके बाद दोनों अपना घर बार छोड़कर भाग गए। प्रेमी जोड़े ने वीडियो के जरिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। नोएडा में लूट का विरोध करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। बदमाशों ने गौरव चंदेल नाम के शख्स की गाड़ी रोकी, फिर जब उन्होंने लूट का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी।
बदमाश कार लूटकर फरार हो गए। सुबह गौरव चंदेल की लाश सेक्टर 123 परथला गोल चक्कर के पास मिली, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि गौरव एक निजी कंपनी में काम करते थे। बाकी और भी जानकारी पुलिस उनके बारे में जुटा रही है। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे शव पड़ा देखा। परिजनों ने एक स्थानीय युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के पौश इलाके सेक्टर 23 में बदमाशों ने बिल्डर के घर पर धावा बोला। हथियारों के बल पर बदमाशों ने लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश फ्लैट खरीदने का बहाना बताकर घर में घुसे। उसके बाद सभी बदमाशों ने पूरे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। लाखों रुपए की ज्वेलरी और रुपए लूटकर फरार हो गए। परिवार ने आरोप लगाया कि काफी देर तक बदमाशों ने घर में रखी ज्वेलरी खंगाली और विरोध करने पर गोली मारने की धमकी देते रहे। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश हड़बड़ाहट में कार और तमंचा ही छोड़कर भाग गए। इस लूटपाट को लेकर परिवार का आरोप है कि खुद पुलिस ने भी सभी बदमाशों को भगा दिया। बाराबंकी में 3 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सिंचाई करने के पैसे मांगने पर युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल के पास से फावड़ा और डंडा बरामद हुआ है। UPSTF की नोएडा यूनिट ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश हितेश उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के लॉनी बॉर्डर क्षेत्र से आरोपी को पकड़ा गया। हितेश 2018 में हुए डबल मर्डर के आरोप में फरार चल रहा था। मुरादाबाद में ATM खोलकर कैश चोरी करने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को सुरक्षा गार्ड ने धर दबोचा। गार्ड ने हिम्मत दिखाते हुए चोरों को ATM के अंदर ही बंद कर दिया। पुलिस को फोन कर दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये वारदात सिविल लाइन थाना इलाके के दीनदयाल नगर की है। सरकार की श्रम नीतियों और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लेफ्ट और दूसरे संगठनों का आज भारत बंद है। UP DGP ने इसको लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में आज TET 2019 की परीक्षा है। प्रदेश भर के सभी एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 16,56,338 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CAA का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज के आरोप पर योगी सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एक हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसकी जांच सौंप दी। कोर्ट ने आयोग को 5 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी तय की है। 15 दिसंबर को AMU में हिंसा हुई थी। यूपी के अलग अलग शहरों में AVP गंगा की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। डिप्टी CM ने मामले में संज्ञान लिया, कहा कि सरकार हर समस्या को दूर करने के लिए गंभीर है। लखनऊ में CM योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आबकारी विभाग में भांग की दुकानों को मंजूरी मिल गई। बैठक में योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को फिक्स ट्रेवल अलाउंस बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने राजकीय कर्मियों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता को 100 को 200, 200 को 300, 300 को 450 व और 450 को 600 रुपए कर दिए जाने की मंजूरी दी। प्रयागराज के कोटवा गांव में बंद पड़ी PSC के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही SGPGI में छात्रों की सुविधा के लिए 200 बेड के छात्रावास के प्रस्ताव को पास कर दिया। लखनऊ हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जाफर और पूर्व IPS अफसर SR दारापुरी जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होते ही SR दारापुरी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। दारापुरी ने कहा कि जब हिंसा हुई थी तब मैं घर में नजरबंद था। इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, खाना भी नहीं दिया गया। मुझे ठंड लग रही थी, मैंने कंबल की मांग की लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। SR दारापुरी ने कहा, मुझे गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था। मुझ पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया जो बिल्कुल गलत है। SR दारापुरी के मुताबिक कई निर्दोषों को फंसाया गया, बेरहमी से पीटा गया। हिंसा के लिए RSS और भाजपा जिम्मेदार है। हमारी आवाज़ को खारिज नहीं किया जा सकता। हम CA के खिलाफ विरोध जारी रखेंगे।
वहीं सदर जाफर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण सीए के खिलाफ विरोध कर रहे थे जो संवैधानिक है। योगी सरकार अमानवीय है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट पैदा करने की कोशिश कर रही है। सदर जाफर के मुताबिक पुलिस हिरासत में उन्हें बेरहमी से पीटा गया, यहां तक कि पुरुष पुलिस वालों ने भी उन्हें पीटा, पुलिस कर्मियों ने लात मारी। सदर जाफर ने कहा, पुलिस ने मुझे पाकिस्तानी कहा, मेरे परिवार को मेरी गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री को बदला शब्द जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने जेएनयू की घटना को लेकर वाराणसी में बयान दिया, कहा कि जो मालिक होता है जिम्मेदारी उसी की होती है, देश में अगर कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे दोष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जेएनयू में नकाबपोशों के तांडव से साफ है कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। खुद पुलिस ने इस बात को एफआईआर में स्वीकारा है कि उनके सामने 40 से 50 लोग आए, लेकिन पुलिस ने ना तो उन्हें रोका ना गिरफ्तार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू बांदा पहुंचे, पूर्व विधायक के निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और परिजन से मिलकर सांत्वना जताई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में जेएनयू सहित सभी हिंसा के लिए सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और प्रदेश भर में हुई हिंसा को बीजेपी की सुनियोजित साजिश बताया। उत्तराखंड विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष वेल में आ गया और हंगामा किया। इस बीच सदन में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग में 500 पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। श्रीनगर में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने रेलवे अधिकारियों की बैठक ली, उन्हें ग्रामीणों की समस्या दूर करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि प्रभावित हुए गांवों में 10 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट एनसीसी अकादमी मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतर आए हैं। उनका कहना है कि एनसीसी अकादमी को दूसरी जगह ले जाना क्षेत्रीय जनता की घोर उपेक्षा है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए दिवाकर भट्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने देवप्रयाग की जनता को छलने का काम किया है। उन्होंने सरकार पर कई पूर्व नियोजित योजनाओं को रोकने का आरोप भी लगाया। बागपत के नर्सिंग होम में डॉक्टर ने 40,000 का बिल न चुकाने पर जन्म लेते ही एक साल तक एक माँ से उसके दूध मुहे बच्चे को दूर रखा और जब वो माँ पैसा इकट्ठा कर बच्चा लेने पहुंची तो उसे वहां से भगा दिया गया। मैनपुरी की जिला कोर्ट में फायरिंग के मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिसमें 2 इंस्पेक्टर, 1 दारोगा, 7 सिपाही शामिल है। 7 पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया, जिसमें 1 महिला पुलिसकर्मी को भी निलंबित किया गया है। एसपी ने कहा कि हत्यारोपी ने खुद ही गोली मारी थी। प्रयागराज के कछारी इलाके में कच्ची शराब के ठिकाने पर आबकारी विभाग ने छापा मारा, पुलिस को देखते ही शराब माफिया नदी में कूदकर फरार हो गए। आबकारी विभाग ने मौके से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। 40 से अधिक शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त कर दिया, भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया। कौशाम्बी में खनन अधिकारी के निरीक्षण में सराय अकिल में 8 और मंजनपुर में 2 ओवरलोड वाहन अवैध बालू खनन करते मिले। इन वाहनों में डंपर ट्रक और ट्रैक्टर शामिल है। खनन अधिकारी ने सभी वाहनों को सीज कर दिया, उन्हें संबंधित थानों में बंद करवा दिया। ओवरलोडेड वाहनों के बंद होते ही बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। रामनगर के आम पोखरा रेंज में युवक पर बाघ ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने खेत में जा रहा था। हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। आगरा में मरी हुई सैकड़ों मछलियां तालाब में तैरती मिली, मछलियों के मरने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने अपने मवेशी तालाब के जहरीले पानी से दूर कर दिए हैं। 2 आतंकियों की भारत में मौजूदगी की खबर से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इसी के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। अक्सर शिकारी बिजनौर होते हुए कालागढ़ की सीमाओं में प्रवेश कर कॉर्बेट पार्क में पहुंचते हैं, इसलिए इन सीमाओं पर पार्क प्रशासन ने कैमरे भी लगाए हुए हैं, जिनसे लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। इन क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है ताकि शिकारियों को किसी भी हाल में कोई भी शिकार न करने दिया जाए। काशीपुर में थाना दिवस पर डीआईजी जनता की समस्याएं सुनने के लिए कोतवाली पहुंच गए। इस दौरान घंटों इंतजार करने के बाद कुछ ही फरियादी थाने पहुंचे। डीआईजी ने उनकी समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए। राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई के लिए टेस्टिंग की गई।
ताकि आने वाले समय में पत्थरों को ले जाने के पहले उसे अच्छी तरह से चमकाया जा सके। देहरादून में मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ। राजधानी में झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं देश विदेश से आए पर्यटक सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हल्द्वानी में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। कुमाऊं के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में नए साल में लगातार बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। वहीं रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। बड़कोट में यमुना घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गांव बर्फ से ढक गए हैं। उत्तरकाशी का बुग्याल बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक गया। समुद्र तट से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई में स्थित बुग्याल में चारों तरफ सफेद चांदी जैसी चादर दिख रही है। गुलाबी काठा में ट्रैकिंग करने को लेकर ट्रैकर भी आ रहे हैं। चमोली में मौसम ने फिर करवट बदली। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं बर्फबारी की वजह से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे खुल गया। मौसम में बदलाव का असर टिहरी जिले में भी देखने को मिल रहा है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में झमाझम बारिश जारी है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाके और धनौल्टी में हल्की बर्फबारी हो रही है। तापमान में भारी गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में 9 जनवरी तक मौसम विभाग ने पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। कुमाऊं के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर ने मंडल के सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट किया है। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। ये बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। गुजरात के अहमदाबाद में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गए। एबीवीपी दफ्तर के पास दोनों गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पत्थर लाठी चले। अहमदाबाद में एबीपी दफ्तर के बाहर जेएनयू हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तभी वहां पर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। इस दौरान कुछ लोग भी घायल हुए हैं। अहमदाबाद में हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गुजरात गांधी और सरदार पटेल की भूमि है, यहां एबीपी हिंसा कर रही है, बीजेपी और पुलिस छात्रों को डराने का काम कर रही है। जेएनयू में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन 20 लोगों में जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष का भी नाम शामिल है। पुलिस ने ये एफआईआर 4 जनवरी को सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने, सर्वर रूम को तबाह करने को लेकर की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की। ये एफआईआर जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर दर्ज की गई है। ऑपरेशन मेघदूत की अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून का निधन हो गया। 91 साल के पीएन हून ने चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। पीएन हून के नेतृत्व में भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सियाचिन पर तिरंगा फहराया था। 1987 में वो पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए। इसके बाद 2013 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। सीबीआई ने 51 कंपनी और 3 राष्ट्रीय बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ 2014 से 15 में 1000 करोड़ से ज्यादा का काला धन ट्रांसफर करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों के मुताबिक इस फर्जीवाड़े के लिए फर्जी कंपनियों का सहारा लिया गया और घूस लेकर बैंक अधिकारियों ने मदद की। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी है। केंद्र का कहना है कि यातायात के संशोधित नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माना वसूलने वाले राज्यों के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। टाटा मोटर्स की नैनो कार बंद होने की कगार पर है। कंपनी ने नैनो के प्रोडक्शन को बंद कर दिया। दिसंबर 2019 में टाटा मोटर्स ने नैनो की एक भी इकाई का प्रोडक्शन नहीं किया। इस महीने एक भी नैनो नहीं बेची गई। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों से जुड़ने के लिए एक खास पहल की है। इसके तहत बैंक ने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर ग्रामीण इलाके के किसान बैंकिंग से जुड़े काम करवा सकेंगे।
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और सर्बियन एक्ट्रेस नताशा स्टानकोविक की सगाई के बाद कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। तस्वीर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं, गुड टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने JNU में छात्रों पर हुए अटैक की कड़ी निंदा की, साथ ही सवाल भी किया। उन्होंने लिखा कि हर दिन परेशान करने वाला है, ये क्या चल रहा है। एक्ट्रेस जर्नलिन चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक सेमी न्यूड फोटो शेयर की। फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने एक गुड न्यूज भी प्रशंसकों के साथ शेयर की। एक्ट्रेस ने दुबई के बुर्ज खलीफा में अपना बसेरा बना लिया है और ऐसा करने वाली वो चुनिंदा बॉलीवुड शख्सियतों में अपना नाम दर्ज करा लिया। हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। महज 2 मिनट के ट्रेलर से फिल्म के बारे में जो अंदाजा लग रहा है वो ये है कि हिमेश मोहब्बत की एक 3 डायमेंशनल कहानी में फंस गए हैं। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।